किसान भाइयों, जब 27 जुलाई 2023 को 14वीं किस्त जारी हुई थी, उसी के साथ में यहां पर पीएम मोदी ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था पीएम समृद्धि योजना। इस योजना में किसान भाइयों, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा और यहाँ पर आप काफ़ी सारी इनकम भी कर सकते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और ये आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी कट मत करिएगा। इस योजना से किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है और काफ़ी सारे किसान भाइयों को बेनिफिट हो भी रहा है, क्योंकि ये हर ग्राम में जो है ये केंद्र खोले जाएंगे जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। और जो भी दवा या फिर जो भी खाद है वो आप कहीं और से परचेज करते हैं तो आप सीधे यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी योजना है और यहाँ पे आप काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो अर्न कर सकते हैं, काफ़ी सारे पैसे आपको यहाँ पर मंथ कमा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर 25 से 30 हज़ार रुपये लगभग में यहाँ पर आप कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आपको यहाँ पर कैसे डॉक्यूमेंट जमा करना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास में एक लैपटॉप, ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इस योजना का जो लाभ है वो आपको मिल पाएगा और आप इसका जो शॉप है वो आप खोल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी गलत है। आप यहाँ पर ऑफलाइन ही कर सकते हैं, ऑनलाइन अभी तक यहाँ पर कोई भी जो है वो सुविधा या फिर कोई भी लिंक नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके अपने अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको जाकर सबमिट करना होगा, तब आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ किसान भाइयों, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, अगर कोई भी बंदा आपको कोई भी लिंक प्रोवाइड करता है और हम दे देंगे ऐसा कुछ बोलता है तो समझ लीजिएगा वो फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑनलाइन प्रोसेस कोई भी नहीं आया है। सिर्फ आपको ऑनलाइन ही नहीं मिलेगा, ये ऑफलाइन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको पीएम किसान समृद्धि जो केंद्र है वो आपको यहाँ पर मिल पाएगा। और यहाँ पर जो भी खरपतवार जो रहते हैं ना खेतों में किसानों के लिए, या फिर और भी कीटनाशक जो दवाइयाँ रहती हैं या फिर जो खाद है, उसका आपको यहाँ पर लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा और आप इस केंद्र को खोल पाएंगे और खोलने के साथ ही साथ किसानों की आप मदद भी कर पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी मदद आप किसानों की कर सकते हैं। और मिट्टी की जाँच, यहाँ पर एक वीडियो भी जो है वो पीएम मोदी ने बनाया था, जिसमें आपको पता होगा जब 27 जुलाई 2023 को 14वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई थी तो उसी दिन इसका उद्घाटन भी किया गया था और हर ग्राम हर शहर में जो है वो प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र जो हैं वो खोले जाएंगे और जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट यहां पर होने वाला है। आप ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं पीएम किसान योजना ग्रामीण, उस वेबसाइट में इसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है और उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कहाँ पर जाना है। ऑफलाइन लिखा हुआ होगा उसमें, ऑनलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। अगर ऑनलाइन आपके लिए कोई भी यहाँ पर जो है वो लिंक प्रोवाइड करता है तो समझ लीजिएगा वो लिंक फेक है, आपका पैसा ठगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये केंद्र लेने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ये जो है केंद्र है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो फ्रॉड हैं वो भी यहाँ पर चलेंगे और जिससे आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड कराएंगे और उसमें आपसे कुछ पैसे पे मांगेंगे, तो ऐसा समझ लीजिएगा कि वो फ्रॉड बंदा है और आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीधे पीएम किसान योजना ग्रामीण वेबसाइट में जाना है और वहाँ पे जाकर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, मतलब जो प्रोसेस है इसका, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये आप यहाँ पर कमा सकते हैं। सारा प्रोसेस आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जाइएगा और आप इस योजना का लाभ भी लीजिएगा। अगर और कोई जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी यहां पर हेल्प भी कर सकूंगा।